1,25,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद जब वहाफ्रस क्यादत कराची में बरसर इकतदार आई तो उनका और अल्ताफ भाई का एक विज़न था कि कराची के अंदर दो सतही बल्दियात, दो सतही जो है वो निज़ाम तालीम है, यानी कि एक इंग्लिश मीडियम और एक उर्दू मीडियम डबल स्टैंडर्ड का लिहाज। उनको भी वो वसाइल सरकार की तरफ से मुहैया करके उनको उस मुकाम पर लाया जाए ताकि ये तालीम हासिल करें, आइंदा आने वाले मुल्क और कौम की बागदौड़ एक बेहतर तरीके से चला सकें। मैं यहाँ पे जो सारा वक्त जो अपने घर पे गुजारते हैं, तो लिहाजा आप भी इन पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि जो यहाँ पे इनको तालीम दी जा सके, जो यहाँ पे तरबियत दी जा सके, वो घर पर बरकरार रहे और उनकी जो है वहाँ पर पालिश होती रहे। मैं आपसे जो मतलब आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे तालिबे इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी आप तक, पहुंच रही? हल्की आ रही, अभी तेज़ होती जाएगी आवाज़। आज चूँकि आगा स्कूल में हम मौजूद हैं और आप मौजूद हैं, और इस माशरे में कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ये वही माशरा जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माशरे की तशकील की, अपनी जद्दोजहद करी और अपना किरदार और तालीम की अहमियत और अफादियत को भी उजागर किया। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला जहाँ कुरान का इल्म और कुरान उतारने की बात करता है तो सबसे पहले जो आयत उतरती है वो उतरती है ये पूरा बिस्म रब में करता थी कि पढ़ अपने रब का नाम लेकर। फिर सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है कि रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमल बयान, कि रहमान की ज़ात है जिसने इंसान को पैदा किया, इंसान को रहमान की ज़ात है जिसने कुरान का इल्म दिया, इंसान को पैदा किया और उसको कुव्वत गोयाई दी, बोलने की ताकत दी। सूरह रहमान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। फिर चारों कुल हम अपने बच्चों को याद कराते हैं। कुल क्या है कि पढ़, कहो, कहो कि मैं पना मांगता हूँ तमाम इंसानों के रब से, कहो मैं सुबह के मालिक से पना, अपने रब का नाम लेकर पढ़ेगा जब उसको एक मोहतरम शफी और काबिल उस्ताद मिलेगी। कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने उतारा और वो हम तक जब पहुँचा कुरान शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोपहर, तो उन जैसा उस्ताद अकबर आज तक कोई दुनिया में आया ना आया। तो इस तालीम के लिए और इल्म की तरवीज डिपार्टमेंट को एलियान कराची को बेहद खुशी है कि जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में लोग अपने बच्चों को दाखिल कराने के लिए बच्चों को तालीम दें और अच्छी और म्यारी तालीम फराहम करें, तो वो क्रेडिट आज बिलाशुबा फरोज करना और हमारा मैडम को ये दूसरे जहाँ जहाँ एच एम से प्रिंसिपल्स हैं किसी भी तालीम इदारे को एक आइडियल तालीम इदारा, एक आइडियल स्कूल बनाया जा सकता है। और कई मिसाल है, मैंने मैडम आज को फोन करेंगे इसी के लिए पेरेंट्स अप्रोच करते हैं हमारे बच्चे को इंस्टीट्यूट में आज एडमिशन मिले, और कल मैडम आज ने कहा तुम्हें बताएंगे हम अपने इदारे को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर आप और दूसरी सूरत में देते हैं, और ये सारा कॉन्सेप्ट, ये इतनी म्यारी तालीम का कोई कॉन्सेप्ट कोई ऐसा था ही नहीं जहनों में कि लोग के एम सी स्कूलों की तरफ रुख करें। बेचारे बहुत ही गरीब जो अपने बच्चों को या तो घर से बेच कर खुद पा रहे, वो तहसील होना चाहते थे कुछ घंटों के लिए, या बाकी कुछ लोग पढ़ाने जाते थे वो के एम सी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजा करते थे। लेकिन आज माशाल्लाह से वो म्यार है
कि कराची शहर की तमाम ऐसी टैलेंटेड असाज़ा को टीचर्स को जो क्वालिफाइड थी, जो बीएड एमएड और एमए की हुई थी और मुख्तलिफ स्कूलों में अपनी अपने हुनर को अपनी तालीम को ज़ाया कर रही थी, आज हक परस क़यादत ने उनको एक जगह जमा करके एक गुलदस्ता बना के ऐसे इंस्टीट्यूट सराहा खान जैसे कायम किए जो आज तालीम के लिहाज से पूरे शहर में अपनी मिसाल आ गई। तो इंशाल्लाह ताला ये काबिशें जारी रहेंगी। आज हम और आप जिस माशरे में जी रहे हैं उस वजूद में आया कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा अलहदा कौमें हैं, आज उसी मुल्क में बच्चियों के स्कूल और मदारिस को बमबारी करके रॉकेट लॉन्चर मार के तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, जबकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ले मुस्लिमीन, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है, कोई तशवीश नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इल्म हट और कोई भी कायदा अगर उसको आगे लेके चले तो कायदे तरीके अल्लाह हुसैन भाई है कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़ेर निगरानी जो इंस्टीट्यूट कायम किए गए हो वो सन अकेडमी हो, वो नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी हो, ये आगा खान जैसी स्कूल की 29 मिसालें हों, बिलाशुबा आज इस शहर में अपना एक हैसियत और अपना मकाम रखती हूँ। इंशाल्लाह ताला हम कायदे तहरीक के नुमाइंदों की हैसियत से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, राह में मुश्किल आती रहेंगी लेकिन हम उसका सामना करते रहेंगे और इंशाल्लाह आप और हम मिलकर अपने माशरे को इल्म के देवर से आरस्ता करते रहेंगे। थैंक यू। वो आज हमारे स्कूल में तशरीफ लाए और उन्होंने इस पर हमारा कोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया और प्लीज़ वो हमेशा आते रहें और अपना हाथ हमारे सरों पे ज़रूर रखें क्योंकि हमें उनकी शदीद ज़रूरत है, हम उनके बगैर यहाँ नहीं चला पाएंगे, हमें आपके सपोर्ट की बहुत अशद ज़रूरत है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू स्टाफ, थैंक यू मैडम।